एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कई मैनर्स और कई छोटी अपॉर्चुनिटीज में अवेलेबल होती है, और हम में से बहुत सारे लोगों को अक्सर इन अपॉर्चुनिटीज का एहसास तक नहीं होता, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बड़े अवसर पाना है तो हमें किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, आइए जानते हैं। चाहे आप सबसे अच्छी नई जॉब, क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर या नए बिजनेस के मौके की तलाश में हो, जब आप पहली बार इसे देखते हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट होने की संभावना नहीं होती। सच तो यह है कि सबसे अच्छे मौके की तरफ आपका ध्यान पहले नहीं जाता, वह कुछ समय बाद पता चलता है। बड़ी अपॉर्चुनिटी वह है जो अक्सर सामने होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटीज को देखना इतना आसान होता तो हर कोई इसे पा लेता। केवल आपके द्वारा देखे गए और अनुभव किए गए तथ्यों के आधार पर ही इम्पोर्टेंट डिसीजन न ले। एक फ्लेक्सिबल पर्सन बने जो हर मौके के लिए किसी भी तरह से तैयार रहता है, क्योंकि मौके आपके रास्ते में कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। अपनी खुद की जिंदगी बनाने का एकमात्र तरीका अपने कामों में फ्लेक्सिबल होना है, यानी अगर आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो आप उनके लिए भी पूरी तरह से तैयार रहें। जीवन को खुले दिमाग से एक्सेप्ट करें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमेशा अवेयर रहे। यह देखकर ताज्जुब होता है कि लोग अपने करियर के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय कितने आलसी होते हैं। एक टीम में काम कर रहे या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तब सिर्फ काम करना पड़ रहा है ऐसा सोच के काम न करें, बल्कि ऐसा सोचें कि यह आपके लिए है, कि आप इसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा सोचें कि आप कुछ करने के बजाय कुछ बनने के लिए तैयार हो रहे हो। फिर बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वह खुद चलकर आपके पास आएगी, बस आपको सिर्फ इसे पहचानना आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जीवन के सबसे बड़े मौके अपने टाइम पर ही चलते हैं, हमारे टाइम पर नहीं। जब मौके खुद आपके पास आते हैं तब आपको इन्हें तुरंत बिना आलसी बने पकड़ लेना जरूरी है। एक बार यह कर लिया फिर आपकी लाइफ हमेशा चारों ओर अपॉर्चुनिटीज से भरी होगी। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर सेल्डम ग्लेरिंग, हैव एन ओपन माइंडेड अप्रोच टू लाइफ।